एंड वेलकम टू द गुड लाइफ शो। जैसा कि आप अभी देख ही रहे हैं कि हमारे पिछले शो का जो टॉपिक था इट वाज अबाउट गट हेल्थ, और गट हेल्थ और गट माइक्रोबायोम क्या होता है ये आपको डॉक्टर सामिया ने पिछले शो में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। और अगर आपने देखा होगा तो आपको ये भी समझ आ गई होगी कि हमारी गट हेल्थ हमारी ओवरऑल हेल्थ पे किस कदर असर डालती है। और मुझे जहाँ तक अंदाजा हुआ है कि आपकी गट हेल्थ आपकी बहुत सारी और प्रॉब्लम्स का मेन कॉज होता है। आज हम बात कर रहे हैं जिस प्रॉब्लम के बारे में, वैसे तो बहुत सारे गट इश्यूज होते हैं जिसमें कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया है, गर्ड है, नॉजिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, प्रोक्टेटाइटिस, सेरियाक डिजीज, डायरिया अगेन, हेमरॉइड्स, ब्लोटिंग, हार्ट बर्न, ब्लीडिंग, डाइवर्टिकुलाइटिस, गॉलस्टोन्स, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, स्वॉलोइंग डिसऑर्डर्स, अल्सर, गैस्ट्रोटाइटिस, मैल अब्जॉर्प्शन, यानी कि ये वो फंक्शनल डिजीजेज है जो कि अगर आप वैसे देखें तो आपका जो GI ट्रैक है आपको नॉर्मल लगता है लेकिन उसमें कुछ ठीक नहीं होता। देन देयर आर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जिसमें आपकी ग्रोथ हो जाती है कहीं ना कहीं, कोई जैसे पॉलिप्स बनना शुरू हो जाते हैं विच कैन लीड टू मैनी अदर सीरियस डिजीजेस, इस पर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन मेन जो हमारा आज का टॉपिक है जो कि कॉमनली नोन हमें सबको पता भी है, दैट इज लीकी गट, जो कि डॉक्टर सामिया ने पिछली दफ़ा भी बताया था कि आपकी जो वहाँ पे इंटेस्टाइन वॉल्स होती हैं उसमें कुछ ऐसी ओपनिंग्स बन जाती हैं कि जो आपका बैक्टीरिया अनवांटेड होता है और जो आपकी सेहत के लिए बुरा होता है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा करता है। तो डिटेल में बात करते हैं लीकी गट के बारे में डॉक्टर सामिया से। क्या मेरा तजिया ठीक था? मैं तो आपको डॉक्टर रिफत उमर कहने वाली थी। मैं आपकी कंपाउंडर हूँ। नहीं जी नहीं, आज तो आप पूरी डॉक्टर लग रही है। चले, दैट्स अ कंप्लीमेंट, मेरी बहुत ख्वाहिश थी बनने की और मेरी बिल्कुल नहीं थी। बस ये वो कहते हैं ना, उल्टा जिसको जो मिल रहा है उसको उसकी कदर नहीं होती। सबसे पहले व्हाट इज लीकी गट? अच्छा, हमने जब गट माइक्रोबायोम की बात की थी तो बड़ी डिटेल में हमने बात की थी कि गुड बैक्टीरिया जो हैं वो क्या होते हैं और उनका रोल क्या होता है और वो हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स और बीमारियां प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब लीकी गट इज द वे इन विच दे एक्चुअली कॉज द डिजीजेस। सो जब गट माइक्रोबायोम सही काम नहीं कर रहा होता या आपने अपनी ग़िज़ा में ग्लाइफोसेट्स जो कि पेस्टिसाइड्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, या BPAs जिनकी प्लास्टिक्स की बात की थी, या ग्रेन्स जिसमें ग्लूटन है जो गट सेंसिटिविटी एलर्जी का बायस बनती है, जब आप इस किस्म के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा लो तो जो हमारी गट की लाइनिंग है विच इज़ वन सेल थिंग, वी मेंशन दिस लास्ट टाइम ऑल्सो, दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ एसोफेगस से लेके आपके रेक्टम तक, इट्स अबाउट 30 feet roughly. Oh my God. Yeah. So उसमें सारी थ्रू आउट जो है वो सिंगल सेल लाइन, कैन यू इमेजिन? और उन सिंगल सेल्स के ऊपर फिर माइक्रोविलाए होते हैं विच आर लाइक लिटिल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। सो इफ यू थिंक दैट दिस इज द वॉल, देन दे हैव दीज विलाए ऑन टॉप, इससे उसका जो एब्जॉर्प्शन का जो सर्फेस एरिया है वो और बढ़ जाता है। वो जैसे ओजड़ी पे होता है गट, ये जो है विला ही आपको नेकेड आई से नजर नहीं आएगी, वो तो रिंकलिंग्स ही होती है। दिस इज, इसको अगर किसी से कंपेयर करना है तो आप जैसे समझो नाक के अंदर बाल होते हैं। ओके, सो उनका भी काम यही है ना कि वो बैक्टीरिया को और बुरी चीज को ट्रैप करते हैं। लेकिन इधर जो हमारे गट के जो माइक्रोविलाए हैं इनका पर्पस सिर्फ चीजों को रोकना नहीं, इनका एक मेन पर्पस है एब्जॉर्प्शन का सरफेस बढ़ाना, और ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होते हैं, यहाँ तक कि अगर आप, और ये भी फिर वन सेल थिक ही, ठीक है? सो ये एक यू लाइनिंग आ रही है, फिर ये यूं करके माइक्रोविला में जाएगी, फिर एक सेल यहाँ आ जाएगा एंड देन इट गोज अप एंड डाउन अगेन एंड अप एंड डाउन अगेन, यहाँ तक कि अगर आप इसको पूरी को अनरैवल करके जस्ट योर स्मॉल इंटेस्टाइन्स, स्मॉल बाउल, उसको अगर आप सर्फेस पर फैलाओ तो रफली व्हाट दिस से इज दैट इट्स द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट। सारे माइक्रोविलाए को भी अगर स्ट्रेच करो, सीधा करो तो वो मतलब वाओ, या दिस इज हाउ बिग द सरफेस इज। ठीक है, अच्छा, अब हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि इस वन सेल लाइनिंग को
म्यूकस का एक लेयर प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द ल्यूमन, जहाँ पे हमारा खाना सारा जा रहा है, जो जो सुराख है, ठीक है, उस सुराख और हमारी बॉडी के बीच में वो एक सेल की लाइनिंग है, और उस एक सेल की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस है, म्यूकस, ठीक है, ठीक है। अब इस एक सेल की लाइनिंग के पीछे हमारा पूरा इम्यून सिस्टम बैठा है। सो 70-80% ऑफ आर इम्यून सिस्टम लाइज इन आवर गट, गट, बिल्कुल। और 90% ऑफ द सेरोटोनिन, व्हिच इज द फील हैप्पी हार्मोन, द न्यूरोट्रांसमीटर इन आवर बॉडीज, इज प्रोड्यूस्ड बाय द गट, गट, यानी आपकी जो खुशी का हार्मोन है वो आपके सारा गट में है, यानी कि जो आप खा रहे हो वो आपकी जो ओवरऑल खुशी का एक हर चीज को उसको कंट्रोल कर, हाँ, और इसको हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, गट इज कॉल्ड द सेकंड ब्रेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो साइंस जब मॉडर्न हो गई और हमने बहुत एनाटॉमीज और फिजियोलॉजीज और चीज़ें पढ़ ली, तो हम पुरानी चीज़ों को भूल गए, तो गट की इम्पोर्टेंस कहीं बैकग्राउंड में चली गई, लेकिन नाउ इट्स कम बैक विद अ बैंग। एवरीबडी इज रियलाइजिंग, स्पेशली जितनी अब रिसर्च हो रही है, कि गट माइक्रोबायोम और इस गट लाइनिंग का हमारी ओवरऑल सेहत से कितना स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है। अब लीकी गट क्या होती है, ये दो तरह की हो सकती है। ओके, एक तो ये जो मैंने आपको माइक्रोविलाय एक्सप्लेन की है, इनकी जो एक एक सेल लाइनिंग है। अब उसमें पहले भी हम कुछ शोज में बात कर चुके हैं कि हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर चीज जाती है, सेल के अंदर जाएगी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, मेम्ब्रेन इज लाइक द बैरियर, ठीक है। अब उसमें एक तरह की परमियबिलिटी, विच इज लाइक द पैसेज ऑफ थिंग्स थ्रू अ पर्टिकुलर लेयर इंक्रीजेस, दैट्स कॉल्ड इंक्रीज्ड परमियबिलिटी। सो एक तरह की परमियबिलिटी ऐसे बढ़ती है कि आपके जो सेल्स के रिसेप्टर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, एंड दे स्टार्ट ओपनिंग द गेट ऑफ द रिसेप्टर्स फॉर बैड स्टफ व्हिच शुडंट बी गोइंग इनसाइड। इसका कोई रीजन होता है? इसके रीजंस बहुत सारे हैं, जिस पे हम अभी आते हैं। सो देयर इज दिस वन टाइप, एंड देन देयर इज अ सेकंड टाइप, जहां पे ये जो सेल्स हैं, से दीज आर द टू सेल्स, इनके बीच का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, सो एक तरह से इंटेस्टिनल परमेबिलिटी ऐसे हो गई कि इस सेल का जो मेम्ब्रेन है उसके रिसेप्टर्स चेंज हो गए, सो मेम्ब्रेन के थ्रू चीज जाके तो बाहर आ रही है। दूसरा, सेल लेवल पे कोई एब्नॉर्मलिटी हो गई है, हाँ, और एक वो जगह एक्सपैंड, जो आपके जंक्शंस हैं जिनको टाइट जंक्शंस कहते हैं, वो नॉट टाइटर एनीमोर, देयर नॉट टाइट एनीमोर। और उसके लिए एक प्रोटीन होती है जोन्यूलिन, जो उसको टाइट रखती है, सो वो कम होना शुरू हो जाती है, व्हिच अगेन इज विल गो इनटू द रीजंस फॉर ऑल ऑफ दैट। तो अब उससे क्या होता है कि जो चीजें फिल्टर होके अंदर जानी चाहिए थी, कॉफी का फिल्टर, अगर जो आप लोग जो फिल्टर्ड कॉफी पीते हो या चाय की पत्ती को छानते हो, तो उसको जो छन के चीज को जाना चाहिए, वो अब छन के नहीं जा रही और कुछ भी अंदर जा रहा है। अब जब कुछ भी अंदर जा रहा है, तो उसमें अनडाइजेस्टेड फूड भी हो सकता है, उसमें बैड बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, उसमें पैरासाइट्स, फंगाई, केमिकल्स, टॉक्सिन्स, कुछ भी जा रहा है। और इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम आर लास्ट गट शो, कि उसके लाइनिंग के फौरन पीछे द पेयर्स पैचेस, विच इज़ आर लिम्फैटिक सिस्टम, वो बैठा हुआ है। ओके, अब वो पेयर्स पैचेस जो हैं, जब दैट मीन्स कि जो कुछ भी अंदर गया है अनफिल्टर्ड, वो सीधा आपके इम्यून सिस्टम पर चला गया, ब्लड में चला गया, ब्लड में पहले पेयर्स पैचेस में गया, हो गया, दैट इज योर इम्यून सिस्टम, दैट इज योर इम्यून सिस्टम। नाउ व्हाट इज दैट इम्यून सिस्टम? सो इसमें हमारा एक मेन सेल होता है, व्हिच इज कॉल्ड द मास्क सेल। अब एक गलत चीज अंदर आ गई है, ठीक है, सिक्योरिटी अलर्ट, शोर मच गया, शोर मच गया, हां, मास्क सेल्स को कॉल किया जाता है, मास्क सेल्स कम इनटू दैट एरिया, दे विल रिलीज हिस्टामिन्स एंड अ लॉट ऑफ फेगोसाइटिक मटेरियल्स, एंजाइम्स जो बैड स्टफ को ब्रेक डाउन करेंगी, और फिर इन्हीं का चीज़ों का एक कैस्केड शुरू हो जाता है, जो कि पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट शुरू हो जाते हैं एंड दिस आई अंडरस्टैंड इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन, एब्सोल्युटली इन्फ्लेमेशन एंड अ लॉट ऑफ ऑटो इम्यूनिटी। सो द बॉडी इज नाउ इन हाई अलर्ट, सो इट्स रैंडमली फायरिंग एवरीवेयर, and it somehow can't tell the difference between the good cells and the bad cells. So wo jo cascade shuru hai usse aapki apni hi body aapko nuksan pahunchana shuru, fighting against you, yes, aur wo phir vicious cycle ban gaya na, inflammation badi hui hai, so inflammation ki wajah se wo cascade badhta ja raha hai to autoimmunity badhti ja rahi hai, and this is how it continues. kuch studies mein ye dekha gaya hai ki
अगर हम ब्लड ब्रेन बैरियर को देखें तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर की भी जो परमेबिलिटी है वो जिस वक्त गट की परमेबिलिटी इंक्रीज हुई होती है ब्लड ब्रेन बैरियर की भी इंक्रीज ही मिली है साइंटिस्ट को. सो इनका डायरेक्ट कोरिलेशन है आपस में. और इस डायरेक्ट कोरिलेशन की एक वजह तो वो है सारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो वहाँ से रिलीज होते हैं ब्रेन से और फिर वो सीधे आपके गट में जाते हैं और बिकॉज ऑफ द इनॉर्मिटी ऑफ द गट दे आर टेलिंग यू व्हाट टू डू. देन द अदर रीजन इज द वेगस नर्व which is one of the fattest nerves in our body from your brain. From our brain and it goes all the way down aur isko it really connects to every single organ if I can say so with a little license and this nerve activates our parasympathetic nervous system so there are two types of autonomic nervous systems. ab main autonomic ki baat kar rahi hu jo khud se kaam karte hai theek hai. autonomic ka matlab ye hai तो एक है उसमें सिंपथेटिक. उसको सिंपथेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे जैसे फ्लाइट एंड फाइट रिस्पांस है वो उसमें एक्टिव होता है. सो जब बॉडी किसी थ्रेट में जाती है तो आपका जो रिएक्शन होता है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरीली और उसको फिर काम डाउन करने के लिए उसको टोन डाउन करने के लिए देयर इज द पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम. अच्छा व्हिच इज कॉल्ड द रेस्ट एंड रिस्टोर नर्वस सिस्टम. तो आप हर वक्त काम पे हो. एग्जैक्टली ठीक है ना. सो वेगस नर्व का सबसे जो मेन काम है that is the parasympathetic nervous system ki regulation. All right. to ab jo vagus nerve pe bhi jo studies ki gayi hain usme bhi ye dekha gaya hai ki jo direct effect hai on people who are very highly stressed aur jinke parasympathetic responses jo hain wo affect hue hain ki unke bhi jo tight junctions hain wo loose hona shuru ho jate hain. intestinal permeability increases. acha वेगस नर्व का स्ट्रेस से डायरेक्ट ताल्लुक है. सो वेगस नर्व की अगर पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी कम है तो यू आर मोर प्रोन टू स्ट्रेस एंड द स्ट्रेस फैक्टर आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू अ लीकी गट. देयर इज डायरेक्ट एविडेंस फॉर दैट. ऑलराइट यानी कि आप जो खा रहे हो उसके अलावा आप जो सोच रहे हो आपका ब्रेन जिस तरफ जा रहा है उसका भी इफेक्ट इस पे है. अच्छा देखो ना जो हम सिंगल सेल लाइनिंग की बात कर रहे हैं उसके बाद आपका पेयर्स पैचेस आ गए और फिर आपका क्या आ जाता है मसल्स आ जाते हैं ठीक है और स्मूथ मसल्स हैं. अब स्मूथ मसल पूरी गट में है. स्मूथ मसल क्या करता है स्ट्रेस में कंट्रैक्ट कर जाता है. सो जब आपको स्ट्रेस हुआ होता है तो पेट दर्द शुरू हो जाता है. सो यू गेट द कनेक्शन. मतलब बहुत सारी चीजों पे योर स्टमक रिएक्ट आपको यहां कुछ होता है एक नर्वस स्टमक जैसे कहते हैं परेशान होते यहां से कुछ यहां होना शुरू हो जाता है. यू आर हैप्पी बटरफ्लाई आर मूविंग देयर यू गो. या 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 यू सी द कनेक्शन. एंड जैसे आप कह रहे हो मसल टाइट हो जाते हैं आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको कॉन्स्टिपेशन की तरफ भी लीड करती है. एब्सोल्युटली आइदर डायरिया और कॉन्स्टिपेशन व्हिच इज वेयर वी विल इवेंचुअली गो टू आईबीएस बिकॉज़ One of the outcomes of a leaky gut is IBS. और ये आप खुद सफर कर चुकी हैं. मैं कर चुकी हूँ बिल्कुल. और आपने आज ये भी बताना है how you healed your IBS because इतने questions इस बारे में हैं कि जब डॉक्टर सामी अपने personal experience बताती हैं तो हमें ज्यादा समझ. उफ अपनी stories तो मेरी इतनी दुखी कहानी है कि उसके ऊपर I can write a little mini booklet on why I studied functional medicine. I hope you do. Yeah, because it'll help a lot. lot of people और जितनी आपको knowledge है आपको एक book जरूर लिखनी चाहिए and I foresee that. थोड़ा सा हमें ना इस पे आप लोगों के feedback की भी जरूरत है. I need feedback of more patients from here from all kinds of economic backgrounds. Exactly. So functional medicine के लिए funding नहीं होती usually इस तरह की जो alternate pathways की बात की जाती है. अब west में तो इसका concept clear cut आ गया है. There's a lot of specialists जो कि जिन्होंने मिल के ये इंस्टीट्यूट ऑफ फंक्शनल मेडिसिन भी बनाया है और ये सारे जो डॉक्टर्स हैं ये खुद इसी तरह मेरे जैसी हॉलनाक जर्नी से गुजरे हुए हैं. कोई कैंसर सर्वाइवर है किसी का लिवर पेरेंट्स को हुआ है किसी का लिवर फेल हुआ है किसी की डाइजेस्टिव ट्रैक पैरालाइज हो गया. हर कोई अपने अपने स्ट्रगल से और कन्वेंशनल मेडिसिन से जब धक्के खा के निकला तो उन्होंने फिर ये भी पढ़ा. सो इट डजंट मीन कि हम जो कन्वेंशनल मेडिसिन है उसको रद कर देते हैं. वी वर्क इन कंजंक्शन विद दैट एंड दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ द फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स आर मेडिकल डॉक्टर्स. देयर डिफरेंट फ्रॉम प्योर न्यूट्रिशनिस्ट. न्यूट्रिशनिस्ट कैन बी समबडी विद जस्ट अ साइंस डिग्री.
बट अ फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर विल हैव टू बी एन एमबीबीएस. और यहीं पे मैं ब्रेक लेके आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप स्क्रीन पर भी डबल क्लिक करेंगे तो लाइक का बटन दब जाएगा, सब्सक्राइब करेंगे. जितने सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़ते जाएंगे सफर में, हमारे लिए ऐसे प्रोग्राम्स करना मजीद आसान होता जाएगा और हम उस एल्गोरिदम में आ जाएंगे जहाँ पे लोग रिपीटेडली ये इंफॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे. प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं और हमें फीडबैक देते रहें ताकि हम जितनी इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सके, हमें उसमें हेल्प हो. जी, तो हम बात कर रहे थे कि पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से इम्पॉर्टेंट हुए. yes. और आपके लिए भी इस प्रोग्राम की बहुत अहमियत इसलिए भी है कि फीडबैक से यू नो कि आपने आगे क्या करना है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, फीडबैक के बगैर तो हम आगे चल ही नहीं सकते. यू नो, जितना मैं हिस्ट्री पे इम्पोर्टेंस देती हूँ तो उतना ही फिर मुझे जितना फीडबैक मिलेगा और जितना डिटेल्ड फीडबैक मिलेगा. लाइक विद माई ओन सेल्फ, व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज आई स्टार्टेड कीपिंग अ डायरी अबाउट व्हाट पर्टिकुलर फूड्स ट्रिगर्ड माई आईबीएस. अब वो लीकी गट जो है वो जैसे हम जो इरिटेंट गट इरिटेंट्स की बात कर रहे हैं, ग्लूटेन जो है इट्स वन ऑफ द मेन इरिटेंट्स. अच्छा, अब तुम इत्तेफाक देखो कि देर इज़ वन पर्टिकुलर विटामिन जो वेगस नर्व की एक्टिविटी को बढ़ाती है. इट्स बिकम वन ऑफ माई फेवरेट विटामिंस एंड आई रियली टेक इट एवरी डे. आई थिंक आई प्रिस्क्राइब इट टू यू ऑल्सो एंड अ लॉट ऑफ माई अदर पेशेंट्स. इफ वन ऑफ यू इज वॉचिंग यू विल नो दैट आई प्रिस्क्राइब इट टू यू एंड दैट इज विटामिन B1. All right. Thiamine. Okay. So विटामिन B1, strangely, उसकी जो मेन सोर्स है दैट इज ग्रेन. बट अब जब आप ग्लूटेन इनसेंसिटिव हो तो आप ग्रेन नहीं ले सकते. सो आइदर यू टेक इट इन द सप्लीमेंट फॉर्म एंड वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल सप्लीमेंट्स इज न्यूट्रिशनल यीस्ट या फिर सनफ्लावर सीड्स. अच्छा, बट आई टेक इट इन द पिल फॉर्म. ओके, मैं पिल फॉर्म प्रेफर करती हूँ बिकॉज जितनी क्वांटिटी चाहिए वो आई नो कि मैं कितना अपने सैलड के ऊपर न्यूट्रिशनल यीस्ट डाल दूंगी. बाय द वे, न्यूट्रिशनल यीस्ट इज अवेलेबल हियर, B1 पिल फॉर्म में यहाँ पे नहीं मिलती, मुश्किल से मिलती है. जो थायमिन मिल भी रही है वो बी कॉम्प्लेक्सेस में मिल रही है, दैट्स अ सिंथेटिक फॉर्म व्हिच आई डोंट रियली लाइक. लेकिन अगर न्यूरोबायोन का जैसे आप शॉट ले रहे हो तो उससे फिर भी ये जो डिफिशेंसी है ये कॉम्पनसेट तो हो जाती है. बट इफ यू वांट टू टेक इट ऑन अ रेगुलर बेसिस इट रियली आल्सो हेल्प्स विद क्रैम्पिंग इन योर लेग्स. So then you should look towards nutritional yeast. So leaky gut से जो problems होती हैं उनमें से एक IBS. उनमें से एक IBS है. फिर leaky gut से, अच्छा leaky gut से दो तरह की problems होती हैं. Let's divide it into two just to be clear. एक तो आपकी gut related issues हो गई और दूसरी आपकी issues हैं जो non gut related. So gut related तो हो गई IBS हो गया, alternating constipation, diarrhea, constant diarrhea, bloating, gas. वही अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज. क्रोन्स डिजीज में क्या होता है? क्रोन्स डिजीज इज अनदर अग्रेसिव ऑटोइम्यून कंडीशन. ओके, जिसमें योर ओन बॉडी इज स्टार्टिंग टू ईट अवे एट द लाइनिंग ऑफ द गट. और उससे होता क्या है? सेम इश्यूज, उसके बहुत सीरियस किस्म के इश्यूज हैं. वी शुड डू शोन ऑटोइम्यून डिजीज. यस, एंड क्रोन्स. ओके, या I think it is becoming prevalent here now. When I was studying medicine, hum Crohn's ko zyada lift nahi karate the, but now here it is prevalent, like all other autoimmune. All right. Maine notes banaye honge kahin pe, kyunki aapse baat karne ke liye mujhe bahut zaruri hota hai ki mujhe bhi pata ho ki main bol kya rahi hu. This is inflammatory bowel disease, IBD. Haan, the wo Crohn's disease. Yeah, okay. Maine dekhe notes banaye the. और इसमें आपको abdominal pain के साथ rectal bleeding और fever भी होता है. That's why I was saying that this is related to ulcerative colitis and IBS. Symptoms मिलते जुलते हैं. ठीक है. बस नाम फर्क है. Okay. नाम इसलिए फर्क होते हैं क्योंकि किसी ने discover की थी. Okay. So उसके नाम के ऊपर. Okay. जो non gut related उसकी जो manifestations हैं वो हम let's start with the skin. So people who have rosacea, which is redness. Redness. Huh. I had rosacea. Yes. Since you love to know about my own problems, so psoriasis, eczema, eczematous conditions, skin ki jo zakhm se bante hain skin ke. Sukhe aur papdiyan se bhi. Papdiyan, exactly. Aur sores se jaise zakhm ke alawa. Matlab aap unko halka sa scratch karte ho to they start bleeding. Yeah. Okay. Oozing si hoti hai. Oozing. So and it could be very very severe and fatal sometimes. Yes, yeah. Again, you know, it's also like an autoimmune reaction.
तो बट दे आर गट रिलेटेड, दे गट रिलेटेड. ओके, सोराइसिस तो बहुत ज्यादा मैंने देखा है गट से रिलेटेड, एंड रोजेशिया आल्सो. सेबेशियस डर्मेटाइटिस स्ट्रेंजली इनफ, व्हिच इज एक्सेसिव डैंड्रफ, is again also related to the gut and a leaky gut, and thus related to a disorder in your gut microbiome which is called dysbiosis. Uske alawa aapko brain fog, memory ke issues, so then you can have joint pains, back issues, you can have fatigue, people who are overweight. Insulin resistance, of course, is directly related to leaky gut and a gut dysbiosis. You can have, जो एक एक disorder है जिसकी मैं खास बात करना चाहूँगी, which is called autism, जो बहुत ज़्यादा common होता जा रहा है बच्चों में, बहुत ज़्यादा अब तो diagnose हो रहा है. Autism के अंदर इसी topic पे बहुत ज़्यादा studies की गई हैं, जहाँ बच्चों की diet में से जब sugar और gluten remove की गई है तो उनके जो ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं, दे हैव इम्प्रूव्ड. ऑलराइट, सो देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन अ लीकी गट एंड ऑटिज्म, एंड सिमिलरली विद एडीडी, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, उसमें भी स्टडीज में यही पता चल रहा है. सो बहुत सारी चीजों का पता ही ऐसे चलता है कि जब आप उसको बैक ट्रेस करते हो कि ये इस चीज को हमने चेंज किया तो सिम्टम्स इम्प्रूव हुए, तो ये क्यों हुए, फिर आप उसको ट्रेस करते हो, एंड देन यू नो यू मेक द लिंक्स. And that is how the whole mystery keeps getting solved. This is how the whole problem is related to a leaky gut. All right. So it could be genetic as well? It genetic to predisposition. Okay. So, you know, like we keep saying that genetically to you predisposed, but your genetics does not have to be translated into a phenotype. Okay. So it is what we put inside our bodies and whatever we are exposed to and how we take care of our bodies that will determine कि जो जीन हमने इनहेरिट की है वो एक्चुअली किसी फीनोटाइप में ट्रांसलेट होगी, वो कोई बीमारी बनेगी या नहीं बनेगी. बहुत हम अमीर होते हैं तो हम सब अपने जेनेटिक टेस्ट करा लेते हैं तो हम पहले ही देख लेते कि कहाँ पे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एंड हाउ टू डील विद दैट. तो जब तक ये नहीं है तो हम जैसे लोग बैठे हुए जो हिस्ट्री से बताएंगे आपको. एक और चीज जिसके बारे में आई नोटेड दिस डाउन स्पेसिफिकली, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, जो कि हमारी जितना भी जंक फूड मिल रहा है ना उस सब में हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है. दैट इज सो हार्मफुल फॉर यू. इट इज एक्चुअली वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ अ लीकी गट. वो आपके सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे इस तरह से काम करती है कि ATP जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस नहीं होती, एंड व्हेन द एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस्ड the cells samjho ke unke andar they don't have the energy to stick together, so the tight junctions get affected. So high fructose corn syrup jis kisi cheez ke bhi ingredient mein ho usko padhe and avoid those things. Ye jo crisps wagera milte hain mein hoti hai, jams mein hogi, commercial ketchups mein hogi, sauces jitni bhi hai sab mein hai. To aapne unke ingredients pe padhna hai, agar wo fructose corn syrup hai to it's a no for you. It's a no for. To har ek pe likha hota hai samne. Ha, ye ab rule bani hui hai ki you have to declare. Okay, put it in. अगर इतना ही खतरनाक है तो फिर इसको बंद क्यों नहीं करते, बैन क्यों नहीं करते? Because अब इसके पीछे तो बड़ी सियासत की बातें आ जाती हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज बैठी हैं, ये अब हम जैसे आहिस्ता आहिस्ता ही होगा विद अवेयरनेस, बेचारे क्या कर सकते हैं. ओके, अच्छा, लीकी गट का एक बड़ी मेजर स्टडी हुई हुई है जिसपे हम जब प्रोबायोटिक्स के एज अ सप्लीमेंट बात करेंगे तो मैं उस स्टडी का डायरेक्ट हवाला दूंगी, बट आज चूंकि हम लीकी गट की बात कर रहे हैं तो मैं इस हवाले से उसकी ट्रीटमेंट का बता दूं. लीकी गट की जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो ये है कि सबसे पहले तो आप रिमूव कर दो अपने गट इरिटेंट्स को, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोबायोटिक्स को ऐड कर. अच्छा, आपने सिम्टम्स सारे बता दिए कि ये हों तो इसका मतलब है लीकी गट है, उसके बाद हाउ टू ट्रीट इट. तो आपने कुछ खाने एक एक करके माइनस करके चेक करना है अपने आप को कि कौन सा. यू कैन डू एन एलिमिनेशन डाइट. ओके, यू कैन डू एन एलिमिनेशन डाइट व्हिच वर्क्स रियली वेल फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज़ देन यू नो यू टेक इट डाउन टू दिस वन पर्टिकुलर थिंग कॉजेस एन एलर्जी. आई डोंट नो इफ आई हैव एवर टोल्ड दिस स्टोरी बिफोर, बट आई हैव अ कजन, ही इज आल्सो फ्रॉम मियांवाली, आई एम हाफ फ्रॉम मियांवाली.
तो हम लोगों के गट दोनों की बिल्कुल एक जैसी हैं और एक किस्म की हमें फूड एलर्जीज वगैरह होती थी. सो ही केम टू मी इयर्स अगो, लिव्स इन एलए नाउ, एंड सेड आई वांट टू डू, ही वांटेड टू लूज वेट, जो उस जमाने में तो सब इसीलिए आते थे. अब थोड़ी अवेयरनेस ज्यादा होगी, इट्स कम फॉर डिफरेंट पर्पसेस, बट आई वांट टू लूज वेट. सो आई पुट हिम ऑन एन एलिमिनेशन डाइट एंड देन आई आस्क्ड हिम व्हाट वन पर्टिकुलर फूड यू वांट टू ब्रिंग बैक इनटू योर डाइट एंड ही सेड आई एम क्रेविंग दही. We brought the he back, and the first thing that returned in his life were his sinuses got blocked, completely blocked. So we knew that for him, the dairy was a huge irritant. Okay. And it's been, I think, over 15 years he hasn't touched it. Okay. And then of course, फिर gluten हम वापस लाए, उससे भी थोड़ा reaction हुआ. But in his case, dairy was the main trigger. All right. मेरे केस में gluten is the main trigger. All right. सो मैं अगर ग्लूटेन फ्री ब्रेड्स लूँ, जो बाहर तो बहुत मजेदार मिलते हैं, यहाँ पे थोड़े से डेंस होते हैं, भारी होते हैं, हाँ, उसका मजा नहीं है, वो फ्लफ नहीं करता ना, हाँ. तो मैं अगर ग्लूटेन फ्री डाइट पे जब रहती हूँ, व्हेनेवर आई ट्रैवल अब्रॉड एंड आई लिव देयर फॉर अ मंथ एंड ओवर अ मंथ एट अ स्ट्रेच, माय गट इज ब्यूटीफुली हील्ड. उसके जगह हम ग्लूटेन फ्री आटे की चपाती खा सकते हैं, हाँ, बट यू नो नाश्ते में अब खैर सावरडोज आ गए. हमारे जो आम लोग हैं जिनके लिए चीजें अवेलेबल नहीं है, उनको हम यही कहेंगे कि ग्लूटेन फ्री आटे की तरफ चलो. अच्छा सामिया, आपने मुझे कॉजेस में बताया कि आपके स्ट्रेस से ही आपको हो सकता है, उसके अलावा आप सर्टन आपको जो खाने से एलर्जी है, वेस्टर्न स्टाइल जो जिसको हम यूएस बेस्ड डाइट कहते हैं, सैड प्रोसेस्ड खाने और इस तरह की चीजें, और क्या क्या चीजें होती हैं? अच्छा, कुछ दवाइयां हैं जिनकी एक्सेसिव यूसेज से लीकी गट का इंसिडेंस बढ़ जाता है. एक तो एंटीबायोटिक्स जो डायरेक्टली डेफिनेटली गट माइक्रोबायोम को ही मार देते हैं, बिल्कुल उनका तो है, इतना ज्यादा इसको अब डिस्करेज किया जा रहा है. बट समहाउ पाकिस्तान में आपको कुछ इस किस्म का इन्फेक्शन होता है जो ऑन इट्स ओन ठीक नहीं होता, मे बी शायद कि हमने इतने खा लिए कि अब नथिंग हेल्प्स अस. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू ब्रॉट अप. It was said somewhere, I don't remember the source now, कि अगर इस दुनिया में कभी aliens आए और वो जो फिल्मों में तो हमेशा अमरीका में ही लैंड करते हैं, अगर वो aliens कभी हमारे सब कॉन्टिनेंट में लैंड कर गए तो वो हमारे सब कॉन्टिनेंट का जो बैक्टीरिया वायरस है वो उन्हें मार देगा. Oh God. So, ये एक अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में भी बड़ी मशहूर स्टोरी है. He died because of, yeah. He and his, malaria, I guess. हाँ, I think one of them had malaria and one of them had typhoid. Okay. So, Hephaestus and his main सिपासालार, वो दोनों जो थे ये हमारे एरिया के बैक्टीरिया से मरे, और वो भी जब इस तरफ नीचे आए हैं, where it starts becoming hot in the plains. All right. Not in the mountains. Mountains. Hunza ki side pe nahi, haan. Wahan pe logon ko kam bimariyan bhi hain, by the way. Exactly. Yeah, 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 yeah. Exactly. To, acha, idhar isliye, I don't discourage the use of antibiotics because sadly, ek to pollution bahut zyada hai, humne darakht sare kaat diye hain, urbanization itni ho gayi hai, ki ek infection jo hamare khitte mein viral bhi shuru hoti hai, उसके साथ सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल आती ही आती है. जो बैक्टीरियल शुरू होती है उसके साथ सुपर इम्पोज्ड वायरल इन्फेक्शन बन जाती है. सो सैडली यू कांट अवॉइड एंटीबायोटिक्स. मे बी हम पे, हमारी कॉम पे, क्योंकि हमें रूल बहुत अरसा किया बाहर की कॉमों ने, तो शायद इतने एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हुए हैं कि जेनेटिकली भी हम समहाउ उसके बगैर ठीक ही नहीं हो रहे, है ना? असर भी तो कंफ्यूज है. जो इंडिजिनस लोग थे उनके साथ इतने बाहर के खून मिल गए, जो इतने और इतने इन्वेडर्स आए हैं, इतने लोग आए हैं, एग्जैक्टली. तो वो जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, बल्कि वो ज्यादा इस तरह बीमार नहीं होती, नहीं होती, वो अभी तक अपने पुराने उस पे चल रहे हैं. हमने अडेप्ट किया उसका तरीका भी, उसका तरीका भी, उसका ग्रेन भी, उसका मसाला भी. सो वी आर इन अ वेरी कंफ्यूज्ड स्टेट. एनीवे, अच्छा जी, ये हो गया. और एक और मेडिकेशन है जिसकी वजह से लीकी गट का इंसिडेंस बहुत बढ़ता है, विच इज नॉन स्टेरॉयडल anti-inflammatory drugs, जिनको हम pain killers जैसे brufen types, brufen types, naproxen, brufen, simplex, जिनको हम actually inflammation कम करने के लिए use करते हैं, but in turn it increases. Absolutely. Okay. और यहाँ पे लोग इनको टॉफियों की तरह खाते हैं. हाँ हाँ, जरा है मैंने एक brufen ते फड़ाई ऐते दे. अच्छा, मजे की बात ये कि इसको खाएंगे टॉफियों की तरह
और फिर इससे जो एसिडिटी प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए वो ले लेंगे एंटासिड्स एंड एसिड सुप्रेसेंट्स। अब दोनों तरह से आपकी लीकी गट तो फिर बढ़ जाएगी बिल्कुल, और आपको पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। ओके, क्योंकि बहुत सारे लीकी गट के पेशेंट्स हैं जिनको गट रिलेटेड अभी सिम्टम्स हुए भी नहीं होते बट उनके और सिम्टम्स जो है ऑटो इम्यून टाइप के वो बन चुके हैं। ओके, तो ये जो सोचे समझे बगैर दवाइयां पॉप करते हैं हम लोग, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान हाथ हौला रखना चाहिए। व्हाट अबाउट एंटी डिप्रेसेंट्स आमिया, डू दे अफेक्ट योर गट? दे डू। नाउ लेटली तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस से भी ताल्लुक है, तो इसके ऊपर आई वुड लाइक दैट वी टॉक टू सर्टेन साइकियाट्रिस्ट्स अबाउट दिस बिकॉज आई कैन टॉक अबाउट इट फ्रॉम अ फंक्शनल पर्सपेक्टिव बट आई वॉन्ट टू गेट सम साइकियाट्रिस्ट ओपिनियन ऑल्सो कि एक मैदे के थ्रू भी एक प्रोक्लेमेशन है जो फंक्शनल मेडिसिन के डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर हम गट को फिक्स कर देते हैं तो यू वॉन्ट इवन नीड SSRIs एंटी डिप्रेसेंट्स, बट देन देर आर सर्टन केसेस जिनमें वो देने ही पड़ते हैं, सो यू नो जहाँ पे लाइफ एंड डेथ का एंड गेटिंग ऑफ देम is not easy. It's not easy. मतलब अगर आप anything addiction it's again जिसके बगैर आप dependency not a really addiction like you don't crave it. No you don't crave it but you can't do without them. But your body will not function without it. But I have consultant psychiatrist friends who tried to explain it to me in this way that say you have hypertension and I'm on a calcium channel blocker. If I go off that calcium channel blocker, I will suffer, die, yeah, and get a stroke. So it's... And if you take off your antidepressant, you can't function properly. Can't function. So there's no quality of life. खुद से तो कभी भी कुछ नहीं बंद करना, ना खुद से शुरू करना है, ना खुद से बंद करना है. Please take care of this. बहुत लोग हैं जो खुद से डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई antidepressant छोड़ देंगे और खुद से NSAIDs जो हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रोडक्ट्स हैं प्रूफेन टाइप की पॉप कर ही जाते हैं, फिर खुद ही वो लेंगे एंटासिड्स या वो हाँ तो बदहजमी वो सफेद वाला जो सिरप है वो ले आ दे मैनु, बस वो एक मशहूर सिरप है मैं नाम नहीं लूं ही लेकिन प्लीज इट इज सो डिसगस्टिंग बट अब व्हाट कैन आई, पता नहीं था सामने क्योंकि हर चीज जो इजाद होती गई उसके पहले अच्छे एस्पेक्ट्स हमें दिखाए जाते हैं और बाद में रिसर्च में पता चलता है कि एवरेज ना एक चीज की रिसर्च में 17 साल लगते हैं, सो 17 years तो कम से कम देने चाहिए। प्रॉपर स्टडीज कैसे मुमकिन है, बाहर तो वो लोग कर लेते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में लेकिन पाकिस्तान में तो अभी मेरे ख्याल से ये आइडिया आया भी नहीं, बेसिक्स पे भी नहीं। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, हम बूढ़ों लोगों के हिसाब से एज लीकी गट बढ़ती जाती है। अब उसका डायरेक्ट एजिंग से भी ताल्लुक है कि यू नो द ऑक्सीजनेशन ऑफ द सेल द ATP उसका जो हमारा जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म है माइटोकॉन्ड्रियल लेवल के ऊपर चेंजेस आ गई हैं, और दूसरा ये भी है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है योर एक्सपोजर टू द टॉक्सिन्स एंड द बैड फूड इन योर गट बिकम्स प्रोलॉन्ग्ड, और अगर आपका गट माइक्रोबायोम ठीक नहीं है तो जाहिर है जितनी किसी चीज़ से लंबा एक्सपोजर रहेगा आपकी बॉडी में वो चेंजेस आएंगी, एंड इफ़ यू सफर फ्रॉम सम क्रॉनिक डिजीज उसकी भी मेडिकेशन रिलेटेड लीकी गट डायरेक्ट आउटकम हो सकता है। अच्छा, ये तो हो गया, कॉजेज हो गए और क्या क्या चीज़ें हम गलत करते हैं, अब मुझे ये बताएं इसको ठीक किया जा सकता है? इसको ठीक इज इट क्योरेबल? इट इज एब्सोल्युटली क्योरेबल। I will not even talk about removing the bad stuff because I think we've talked about that enough in all our shows, but it is very important that first of all we remove all the irritants. However, if it is not possible to remove all the irritants, you must start taking a probiotic. Achha. There are studies on that. And mujhe difference prebiotic and probiotic ka bhi batayega. Prebiotic is the food for the gut bacteria. Theek hai? And probiotic is gut bacteria itself. Okay, ठीक है, ठीक। So bacteria जो खाना खाता है उसको हम prebiotic कहते हैं, जो कि bacteria की health के लिए। और उसमें मैंने सुना है कि जो roots वाले vegetables होते हैं, उनको बहुत छीलना भी नहीं है, उनको बस अच्छी तरह धो के जो उसके कोनों खुदरों में मिट्टी है खा जाएं। That's your soil related probiotic. Absolutely. और फार्मर्स मार्केट्स जैसे बाहर लगती हैं, आप भी कोशिश करें कि आप खेतों से डायरेक्ट सोर्स कर लें और
सॉइल पर अच्छी होनी चाहिए, पर अगेन दैट्स अ लॉन्ग अब पेस्टिसाइड्स का इतना जो है और जो खादें गलत किस्म की यूज हो रही हैं, ऑर्गेनिक फूड जहाँ पे लोग एक्सेस कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फूड का मसला ये है कि सामने मट्टी ऑर्गेनिक नहीं रही ना, पर उसमें उसमें सॉइल को तो आप फिर भी काफी हद तक करेक्ट कर सकते हो। इट्स अ लॉन्ग पेनस्टेकिंग प्रोसेस एंड देयर आर सर्टेन एथिकल ग्रुप्स। अगर लैंड बचेगा और अगर उसके ऊपर कब्जे नहीं होंगे और हाउसिंग सोसाइटीज नहीं बनेंगी, वी हैव नो आइडिया वेयर वी गोइंग एंड व्हाट वी आर डूइंग टू आवरसेल्व्स। हमारी जनरेशन तो शायद, एंड यू नो वी आर रुइनिंग आवर सॉइल एंड आवर लैंड नॉट टू प्रोड्यूस फूड फॉर आवरसेल्व्स। We are producing food for the big chains, yes. जो हमसे ले रही हैं। ले रही हैं और वहीं पे खत्म हो रही है, हमें मिल ही नहीं रहा कुछ। मतलब अच्छे किस्म का आम भी बाहर जा रहा है, कीनू भी बाहर जा रहा है, हर जो हम फल बहुत अच्छा बनाते हैं तो एक्सपोर्ट क्वालिटी तो हमें नसीब ही नहीं होता। तो हमें तो उनका ट्रिकल डाउन जो गंद भला बचा हुआ है वो हमें मिलता है यहाँ खाने को। तो हमें इसकी इतनी अवेयरनेस की जरूरत है, शोर मचाने की जरूरत है कि जिंदा रहने के लिए सेहत कितनी इम्पोर्टेंट है और सेहत के लिए ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है, हमें बोलना पड़ेगा। खैर हमारे इतने मसाइल, हम बिजली गैस से निकले तो कहीं हम इस पर भी आए, हमारी जिंदगी तो इन्हीं मसाइल के खत्म भी हो गई। सैड सैड स्टोरी। अच्छा जी, खानों में हमें अब क्या क्या चाहिए? अगेन आई थिंक वही सारी चीजें जो हम पहले बात कर चुके हैं, यू रिमूव ऑल द बैड। पहले आप ग्लूटेन अपनी कोशिश करें, उसके बगैर खा के देखें। हम आपको बता चुके हैं ग्लूटेन फ्री आटे कौन कौन से हैं, ये लिस्ट भी आप पढ़ लें, हम साथ ही आपको दे रहे हैं। इनको मैं बनाने का तरीका नरम आपको नेक्स्ट शो में बताऊंगी भी। और दूसरा सामिया ये है कि मैंने अभी जैसे ये वेजिटेबल्स का जिक्र किया, नाउ टेल मी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइबर। About 25 to 50 grams of fiber जो है वो हमें चाहिए। और फाइबर रिच फूड्स में आ जाते हैं, नट्स आ जाते हैं, नट्स आ जाते हैं, सीड्स आ जाएंगे और आपके कलरफुल वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स एंड लेंटिल्स एंड लेग्यूम्स, लेंटिल्स एंड लेग्यूम्स लाइक काला वो जो लोबिया होता है उसकी बहुत अहमियत, और चिकपीज की। अच्छा, लेंटिल्स में आई प्रेफर द स्मॉलर वन। अच्छा, वो हाजमे के लिए बेहतर, लार्जर द साइज ऑफ द लेंटिल बिकम्स the more difficult it is to digest. All right. So, अगर आप खिचड़ी का बेसिक फॉर्मूला देखो तो उसमें हमारी जो सबसे सिंपल वाली दाल है वो यूज होती है, धुली हुई या नॉन धुली हुई, छिलके वाली। छिलके वाली, it's really good for you. So, मूंगी की जो रेड लेंटल्स हैं, जो ग्रीन हैं, ये वाली ज्यादा इजीली डाइजेस्ट होती है। और फलों को आप कोशिश करें छिलके के साथ खाएं, मतलब जितना रफेज आप, जैसे अगर आप पीच खा रहे हैं, आड़ू खा रहे हैं छिलके समेत, उसके जो बुरबुर वाला छिलका है उसको खाएंगे तो एक तो आपको कॉन्स्टिपेशन में ये बहुत हेल्प करता है, पर उसमें अगेन यू नो पेस्टिसाइड्स का बहुत, तो बस अच्छी तरह धो लें सिरके में नमक और बेकिंग जो है वो बेरीज से मिल जाती हैं, सो ट्राई एंड सोर्स बेरीज। हमारे यहाँ इस मुल्क में बेरीज बहुत कम मिलती है, लेकिन अगेन इम्पोर्टेड एंड बहुत महंगी। अब हमारे एरिया से बहुत आ रही है, हमारी चित्राल की साइड से, गिलगित की साइड से। कौन सी आ रही है सामिया? एक क्रैनबेरीज आती हैं। अच्छा, आई नेवर फाउंड फ्रेश क्रैनबेरीज। आती है, अगेन जो छोटे छोटे स्टोर्स है ना, ये जो अब इन एरिया से लेके आ रहे हैं, जहाँ से मैंने आपको एक दफा शायद बताया था कि फ्रेश रिवर ट्राउट भी मिलती है। जी जी जी, तो ये जो कुछ भी सीजनल आ रहा है ये उन एरिया से लाते हैं। अब उसको आप स्टॉक कर लो, यू कैन ड्राई इट आल्सो और फ्रीज कर लो, फ्रीज कर लो। हाँ। और फिर वो हमारे जो शहतूत हैं, शहतूत हमारी एक बेरी हो गई, देन चेरीज, बेरी में आएगा। हाँ, चेरी भी आती है। हाँ, चेरी हमारी तो बहुत अच्छी है, इट्स रियली गुड। या मतलब अगेन जो हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि मौसमी फल खूब खाओ, वो उस वक्त नुकसान नहीं देता ना। हाँ। ये आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ओके, जो मौसम की चीज है वो खानी है, मतलब एवोकाडो बहुत रिकमेंड किया जाता है बिकॉज रिसर्च आपकी वेस्ट बेस की होती है। तो एवोकाडो तो एक तो महंगा बहुत है, यहाँ मिलता नहीं, तो उसका अल्टरनेटिव मुझे करीब तरीन अमरूद लगता है। अमरूद is also very good source of vitamin C, by the way, but it doesn't have the good fats that avocado has. Okay, so amrood is not really a good comparison, but avocado bhi ab local itna grow ho raha hai. Acha, what about papaya? Isko kehte hain aapki gut ke liye bahut acha, papaya is also very good. ओके, तो पपीता एक सस्ता तरीन है और आपको इजीली अवेलेबल है। मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं खा नहीं सकती, मुझे उससे एक थोड़ी सी बू आती है। पपीता इज आल्सो वन ऑफ माय लीस्ट फेवरेट, लेकिन जो लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस है वो रेगुलरली पपीता खाते हैं और वो कहते हैं कि हमें इससे हमारा हाजमा बहुत दुरुस्त रहता है।
एवोकाडो पपीते को अगर आप लोग डिफरेंट और फ्लेवर्स के साथ मिक्स कर लो ना, दीज बोथ दीज फ्रूट्स दे अब्सॉर्ब द फ्लेवर्स ऑफ फ्लेवर्स हां तो फिर उसको बैलेंस. मैं कच्चा पपीता खा लेती हूं इन द फॉर्म ऑफ सैलेड. या तो ये हो गया. अनार अगेन इज अ वेरी गुड फ्रूट. पॉलीफिनोल्स बेसिकली जो कि कलर्ड फ्रूट्स एंड कलर्ड वेजिटेबल्स में से जो ये जो हमारी येलो एंड रेड बेल पेपर्स हैं, जितनी पोमेग्रेनेट्स जो डार्क बेरीज हैं पर्पल कलर की. फाल्सा इज अ लोकल बड़ा मौसमी फल है और हाँ लेकिन वो इतने थोड़ी टाइम के लिए आते हैं. दैट्स वन फ्रूट जो कि आप प्रिजर्व नहीं कर सकते. नहीं कर सकते, नहीं सिर्फ जूस के लिए कर सकते हो. हाँ. वरना आप उसको खा नहीं सकते. नहीं, खा नहीं सकते. हाँ. खाने के लिए तो कोई भी बेरी थोड़ी मुश्किल हो जाती है. पर फिर जूसिंग के लिए तो सारी स्ट्रॉबेरीज इजिली अवेलेबल होना शुरू हो गई है पाकिस्तान. दे आर रियली गुड फॉर यू. तो ये सारे हो गए जिससे फाइबर हो गया. अच्छा अब वो हम आते हैं प्रोबायोटिक्स की तरफ, फर्मेंटेड फूड की. हाँ, तरफ फर्मेंटेड फूड्स में भी प्रोबायोटिक्स होती है. फर्मेंटेड फूड्स में इस तरह प्रोबायोटिक आती है कि जो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है उसमें आपका बैक्टीरिया जो है ना वो जो हार्मफुल चीज़ है उसको वो इस्तेमाल कर लेते हैं एज फूड फॉर इटसेल्फ एंड इट प्रोड्यूसेस सर्टन गुड एंजाइम्स एंड विटामिंस which is good for the human body. So that's why fermented foods are so good for your body. So it's almost like taking a probiotic. All right. और जो हमें मेडिसिन फॉर्म में मिलता है क्योंकि कहते हैं कि हमें बहुत सारे किस्म के स्ट्रेन्स चाहिए होते हैं प्रोबायोटिक के, तो कोई ऐसे प्रोबायोटिक्स है जो इस बात पे अच्छी तरह रिसर्च करके उन्होंने बनाया हो और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनी हुई है. There'll be combinations. अच्छा सिंगल वाली पे मत जाना. कुछ होंगी जो सिर्फ लैक्टोबैसिलस को रिप्लेस कर रही हैं या एसिडोफिलस को कर रही हैं. सो डोंट गो फॉर दैट. ट्राई एंड लुक फॉर अ वैरायटी इन द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड कॉलोनी काउंट कितनी है. जो बिल्कुल न्यू बिगिनर्स हैं जिन्होंने कभी प्रोबायोटिक्स नहीं लिए वो नंबर ऑफ बैक्टीरिया थोड़े कम रखें, बट जो वेरिएबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया है उसको ज़्यादा ही रखें. ओके. नंबर ऑफ बैक्टीरिया यानी कॉलोनी काउंट जो है वो अपनी बेशक थोड़ी वाली प्रोबायोटिक्स उठा ले. अच्छा इस पे बहुत जोर दिया जाता है कि आप जो भी फर्मेंटेड इस तरह की चीज लो वो शुगर लेस हो. अच्छा थोड़ी सी शुगर जो आप डालते हो ना उससे कोई नुकसान नहीं. ओके. वो तो फर्मेंटेशन उसकी स्टार्ट करने के लिए डाल. ठीक है. सो यू आर नॉट कंज्यूमिंग इनफ दैट द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज हैपनिंग इन योर ओन बॉडी. ऑलराइट. दैट इज व्हेन गैस एंड ब्लोटिंग हैपन्स. ओह अच्छा ये जो हमारे एशियन फर्मेंटेड खाने हैं वो तो नमक और पानी में बन जाते हैं. लाइक किमची हो गया, सॉरक्राट हो गया. इसकी भी हम रेसिपीज आपको बहुत जल्द बताने वाली हैं क्योंकि बाजार में जो अवेलेबल है ये फर्मेंटेड फूड ये थोड़ा महंगा है. खैर उसकी भी मुझे समझ आती है क्योंकि इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप घर में इसको ईजिली बना सकते हैं, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं और काफी देर तक खा सकते हैं. मैं अभी जब ये लीकी गट की रिसर्च कर रही थी तो एक मुझे एप्पल सॉस की किसी ने लिखा हुआ था कि अगर आप एप्पल सॉस को बना के उसका एक चम्मच भी दिन में ले लें तो इट हेल्प्स यू टू हैव अ गुड प्रोबायोटिक. मैं आपको वो भेजूंगी और आपने मुझे बताना है फिट्स गुड तो हम वो भी बनाना सीखेंगे. अच्छा जी ये फर्मेंटेड खाने के हम आपको रेसिपीज भी देंगे, अवेलेबल भी हैं. अगर आप इसको लिख के टाइप करें आजकल गूगल पे सब कुछ आपको पाकिस्तान में क्या क्या अवेलेबल है पता चल जाता है. उसके अलावा सामिया चिकन बोन ब्रॉथ. बोन ब्रॉथ उसमें कॉलेजन भी है व्हिच इज अगेन वेरी गुड. वो आपका जो म्यूकस जिसकी आप बात करते हैं उसको रिस्टोर करता है. एग्जैक्टली. एंड इट्स फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन D3 एंड उसमें जेलेटिन होता है. जेलेटिन है, कॉलेजन है. तो ये सारा बेसिकली जो हमने एक हेल्थी गट की जो डाइट डिस्कस की थी वो सारी लीकी गट पे अप्लाई करते हैं. ओके. आप थोड़ा सा बताएं आपने अपना लीकी गट कैसे ठीक किया. मैंने अपना लीकी गट प्रोबायोटिक्स से ठीक किया था. इफ आई हैव टू पिक वन थिंग दैट आई चेंज्ड परमानेंटली इन माय लाइफ दैट वाज टेकिंग अ प्रोबायोटिक. एंड हाउ डू यू टेक इट. आई टेक इट इन अ पिल फॉर्म. नहीं मतलब क्या रेजिमेंट है इसका, कब खाना है. मैं सुबह लेती हूं बिफोर योर बिफोर माय मील 30 मिनट्स बिफोर माय मील. एंड यू टेक इट थ्राइस अ डे. वंस अ डे. वंस बट व्हेन आई स्टार्टेड जब मेरी गट बहुत खराब थी तो तब मैं इसको ट्वाइस अ डे लेती थी, सुबह में और रात में. सो रात को लास्ट थिंग बिफोर गोइंग टू बेड एंड सुबह में बिफोर माय ब्रेकफास्ट. ऑलराइट. दिस इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. आई मीन
ग्लूटेन से भी फर्क पड़ा है, डेयरी रिमूव करने से भी पड़ा है, बट मैंने देखा है कि अगर मैं प्रोबायोटिक अपनी कंटिन्यूड रखूं तो मैं कभी गलत कुछ खा भी लूं, ग्लूटेन भी अब मैं खा लेती हूं और मैं नॉर्मल दूध भी चाय में डाल लेती हूं, वरना आई हैव टू स्टिक टू आमंड मिल्क और ओट मिल्क. सीरियल मैं नहीं ले सकती, एक तो सीरियल वैसे भी सीरियल आर रियली बैड फॉर यू, बट देयर आर नेचुरल सीरियल्स आल्सो ना, जैसे दलिये जो हमारे दलिये, लेकिन उनको भी फिर मैं आमंड मिल्क में ही लेती हूँ. आमंड मिल्क बहुत सस्ता घर पे भी बन जाता है, वो भी हमने सिखाना है सामने, वो ये चीजें. अच्छा सामिया, एक जमाने में आप कीफर बहुत लेती थी. हाँ, दैट्स माय फेवरेट. कीफर अभी भी मिलता है लेकिन उतना मजे का नहीं मिलता जितना मैं खुद बनाती हूँ. लेकिन कीफर इज अगेन डेयरी बेस्ड, राइट? कीफर कैन बी डेयरी बेस्ड एंड वाटर बेस्ड. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रेन्स. सो वाटर ग्रेन्स सेपरेट होते हैं और जो डेयरी के ग्रेन्स होते हैं. तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कीफर क्या है? सो कीफर इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया. अगेन इट्स अ वेरी वेरी गुड बैक्टीरिया. सो आप जैसे दही को बनाने के लिए जाग लगाते हो ना, उसमें से दही को ही ले लेते हो और आप दूध में डाल देते हो तो वो दही बन जाती है. सो कीफर का जो ग्रेन है, इट्स में समझें कि द कॉलोनी काउंट इज मच मोर वास्ट दैन द योगर्ट, द वन इन योगर्ट. सो आप कीफर के ग्रेन्स लो, आप उसको दूध में डालो, आप उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर किसी वार्म सी मॉइस्ट डार्क जगह पे ओवरनाइट के लिए रख दो. जैसे यूजुअली हम ये करते हैं कि माइक्रोवेव के अंदर रख देते हैं, है ना, या ओवन के अंदर रख दिया, सुबह तक वो जो है वो आपको फट जाएगा, खट्टा सा दूध बन जाएगा, इतना बदमजा होता है. यू गेट मेड मी ट्राई इट वंस, मजेदार होता है. बिफोर आई बिकेम मेनोपॉजल एंड माय नथिंग वर्कड ऑन मी एनीमोर एंड आई इवेंचुअली हैड टू ट्रीट माय इंसुलिन रेजिस्टेंस, जब तक मैं फंक्शनल मोड में थी अपने और माय साइकिल वाज रनिंग नॉर्मली, मैंने सिर्फ कीफर लेने से अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को रोका हुआ था. आई मीन आई यूज्ड टू हैव कीफर लाइक सुबह दोपहर शाम और ना भूख लगती थी और नहीं, वो अमेजिंग विटामिंस उससे प्रोड्यूस होती हैं कि वो आपको बीज की सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. तो इसका इनटेक भी, यानी कि आपने अपने अंदर जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक दुनिया आबाद है हमारे अंदर, उनको भी हेल्दी खाना देना है और उनकी हेल्थ के लिए ये खाने जो हैं फर्मेंटेड खाने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. हम अपने कुकिंग के शो में इनकी रेसिपीज़ भी आपको बताएंगे और कहाँ से मिलती है ये भी आपको लिंक में नीचे देंगे. प्लीज़ जाने से पहले डू प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन और हमें अपनी फीडबैक दें और हम इस प्रोग्राम को आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मज़ीद बेहतर करेंगे. थैंक यू सो मच डॉक्टर सामिया. थैंक यू.